Thank you.
किया। मैं एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूं, अगर कोई आदमी गार्ड का नौकरी कंप्लीटली कर रहा है, मतलब विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम, मतलब सीना खाम के, मतलब रिटायर होता है, तो उसका पीछे एक औरत का हाथ होता है। और जितना भी एक जनरेशन है, जाके घर में मिसेस को बोलते रहिएगा भाई देख लो आप ही मत बोलिएगा कि दाल में नमक कम है, इसमें कम है, हो गया ना, वायलेंट है ना साइलेंट है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, किसी से हंसना नहीं है, किसी से झुकना नहीं है, क्या एकदम किसी से बात भी नहीं करेगा, अपना काम करते हुए पूरा अपने काम को कम्प्लीट किया, ये भी एक अचीवमेंट, इसके लिए जोरदार ताली। और प्रधान दा जो है, जेके प्रधान दा हमारा जनरली मैं गुरु बोलता हूँ, जब भी मिले तो गुरु नमस्ते करके बताऊँ, क्योंकि गुरु तो है, जितना हम सीखना है उन्हीं से सीखा हूँ, जो भी वर्किंग के बारे में बोले, जो भी बोलो रनिंग रूम में कैसा रहना है, क्या करना है, वो सब उन्हीं से मैं सीखा हूँ, आज तक वो अच्छा लग रहा है। मैं आशा करता हूँ आने वाला दिन में उनका लाइफ सुखी संपन्न हो, और भाभी जी को बहुत ज्यादा समय दे, समय दे रहा है, नहीं तो मुस्कुराते हुए भाभी इतना जो मुस्कुराते नहीं। तो मैं धन्यवाद आप लोग सब आए हैं, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, तो आने वाला लाइफ जो है रिटायरमेंट, आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ, लीजर लाइफ जिसको बोलता है, वो अच्छा हो, फ्रूटफुल हो, आप शांति बनाए रखेगा, और हमारा बड़ा भाई को एकदम प्रदान करेगा, प्रदान तो है ही है। धन्यवाद। जब मैं एमयू काम शुरू किया तो एस एस सिंह दास एलआर लिया था, और जब कोचिंग शुरू किया मेरे स्पष्ट तो प्रधान दास एलआर, मेरे दोनों गुरु के तो अभी मानता हूँ, धन्यवाद, ठीक है, मेरे दोनों गुरु आज बैठ गए।
जैसे कि नियंत्रण बोले बहुत सी शांत लाइफ, कोई झूठ झमेला नहीं, निराकार जीवन, एकदम अपना नौकरी करना है, आना है, जाना है, किसी से कोई लफड़ा नहीं। इस तरह से नौकरी करके प्रधानदा और सिंह दोनों ही आदमी लगभग बराबर बराबर में निदान कर दो। मैं भगवान से पूछ नहीं, एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक स्वामी को लेकर साथ में करते रहे। अपने 42 साल के एक्सपीरियंस के बाद रिटायर कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी उपलब्धता है। मैंने उन्हें देखा है काम करते हुए, जिस डेडिकेशन से अपना काम करते थे, जब वो ड्यूटी जाते थे इससे पहले अपना सारा काम करके रेडी होके जाते थे, तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन टाइप का था कि मैं भी जब उसके लिए काम करूँ तो मैं भी अल्लाह बोलता रहे। काला काला सब बुरा होना चाहिए।